हैशटैग। तो आज हम बना रहे साउथ इंडियन रेसिपी इडली विदाउट सांभर और विदाउट सॉस, नारियल सॉस, कोकोनट चटनी, राइट। तो देखिए, मैंने इस चावल के आटे को ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था ठंडे पानी में। देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार है आफ्टर 24। वाओ, इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि ये चावल के आटे से बना हुआ है, लग रहा है कि चावल को सोक करके उसे ग्राइंड किया गया पेस्ट है, राइट। देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा बना ये। उसके बाद हम लेंगे मूंग दाल, इसे हम 6 to 7 आवर के लिए सोक कर सकते हैं और इसे ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से इसे वॉश कर लें। ऐसे तो मूंग दाल का इडली आप ट्राई भी नहीं किए होंगे, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज कमेंट में बताइए कि मूंग दाल और चावल के आटे से ये इडली कितना मस्त लग रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंटिन्यूसली इसे विस्क करते रहें, बहुत अच्छे से बबल्स आएंगे और लाइट वेट भी होगा मेरा बैटर, देख सकते हैं। अब इसे ग्राइंड करेंगे। एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है मूंग दाल के इडली का। एक लोहे को तवे को गर्म करेंगे और उसमें कुछ रेसिपी का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इसलिए गर्म होने देते हैं। जब ये तवा हमारा गर्म हो जाएगा उसके बाद देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं। बहुत टेस्टी लगता है यार, आप ट्राई तो करो, स्किप मत करना वीडियो, देखते पूरा जाओ। उसके बाद देखिए मेरा ये पेस्ट तैयार है, अब इसे हम मिक्स करेंगे चावल के बैटर में। ये राइस फ्लोर से बना, बहुत ही टेस्टी। अब हम लेंगे पीनट, फ्रेश पीनट, और उसे हम थोड़ा सा मॉइस्चर ना आने तक उसे गर्म करेंगे, इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और छिलके भी हट जाएंगे। और हम पीनट का सॉस तैयार करेंगे। गैस, मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, आप डोंट वरी। देखो कितना अच्छा रोस्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा देर और रोस्ट करेंगे ताकि छिलका छिलका हट जाए। देखो लो फ्लेम पे है इसलिए मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं हाथ से करी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है हाथ से करने में। ठंड का टाइम भी है सो गर्मी का फील भी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा से मेरा पीनट फ्राई हो रहा है, वो भी बिना तेल का। लो फैट रेसिपी इडली, मूंग दाल और बीट दाल को बहुत अच्छे से बीट करेंगे, दोनों कलर को मिक्स करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से एकदम इसको मिक्स कर लेना है। अभी थोड़ा थोड़ा मूंग दाल दिख रहा है ना आपको, थोड़ा देर और मिक्स करने के बाद सब मिक्स हो जाएगा कलर। सो हे गाइस, अब लेंगे रेड चिली और उसको थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और अच्छे से कुरकुरा हो जाए, ताकि हमारा सॉस भी एकदम तंदूरी जैसा टेस्ट दे। देखो बहुत अच्छे से बन गया। हम पीनट को अब निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इसका छिलका निकल गया कितना अच्छे से, आप देख सकते हो। वाओ, अरे ये बाइक वाला इतना साउंड कर रहा है यार। देखिए कितना अच्छे से निकल गया छिलका, दिख रहा है ना।
अब इसे रखेंगे थोड़ा रेस्ट होने के लिए, उसके बाद हम इसको छिलका निकालेंगे। तब तक तवे पे हम ये रेड चिलीज और गार्लिक रखेंगे, उसे थोड़ा देर रोस्ट करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो सॉस बनाने के लिए, पर इससे टेस्ट और इसका लुक भी बहुत मस्त दिखता है। देखिए कितना अच्छा सा लुक दे रहा है, वाव। मेरा रेड चिली भी प्रिपेयर हो गया है और गार्लिक को भी एक साथ रख के थोड़ा एक बार और गर्म कर लेते हैं। बस थोड़ा देर लो फ्लेम पे इसे जरा सा चम्मच से हिला के उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा कूल डाउन हो रहा है, तब तक इसका छिलका चेक करते हैं निकल रहा है या नहीं। वाह निकल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है, ओह माय गॉड, थोड़ा सा गर्म है। लेमन जूस, मुंह में पानी आया क्या? इसे स्क्यूज करेंगे अच्छे से, इसमें रस कम है, दूसरा लेते हैं। देखिए वाह कितना अच्छा दिख रहा है ना, वाओ। अब इसे अच्छे से स्क्वीज करेंगे, पूरा जूस निकालेंगे, उसके बाद इसमें से पूरे बीज को छन्नी से छान के हटाकर और हम इसे यूज करेंगे और इसे भी सॉस में डालेंगे। देखिए पीनट को ग्राइंडर में डाल के और चिलीज और अपना गार्लिक और उसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, राइट। पूरा प्रोसेस गौर से देखिए, दिया बहुत ही मस्त लगता है ये। ग्राइंड हो गया, इतना अच्छा सा पेस्ट लगता है, एकदम रेडीमेड पेस्ट बन के तैयार है। देखो वाओ, इसे टर्न कर लेंगे एक बाउल में, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी है। उसके बाद हम तैयार करेंगे कोरिएंडर सॉस के, तो उसमें हम डालेंगे कोरिएंडर और कुछ चिली, ग्रीन चिली को थोड़ा सा रोस्ट करके और गार्लिक भी। देखिए रोस्ट ग्रीन चिली और गार्लिक रखेंगे, उसके बाद लेमन जूस को डालेंगे और साल्ट एज पर टेस्ट। एक बार इडली के साथ कोरिएंडर सॉस और पीनट सॉस ट्राई करो, फटाफट से हो जाता है, बहुत मस्त बनेगा। इसे भी हम टर्न कर लेंगे एक बाउल में और उसके बाद देख सकते हो हमारा बैटर सब रेडी है। देखिए कितना अच्छा कंसिस्टेंसी, उसे थोड़ा और ठीक, मतलब ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, इसका तो अच्छा है। पीनट कोरिएंडर भी बहुत मस्त है, ये मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गया। उसके बाद हम अपने बैटर को एक छोटे से बॉल में निकालेंगे और उसमें नमक और बेकिंग पाउडर ऐड करके, देखिए, और इडली के प्लेट्स को ग्रीस करेंगे बटर से। तब तक स्टैंड में एक कप पानी डाल देते हैं, गर्म हो जब तक एक विसल आता है, तब तक हम प्लेट को क्या करेंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे, राइट। देखिए नमक क्वांटिटी अपना चेक कर लें, आप कितना ज़्यादा कम ले रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करें, हमारा वाटर गर्म हो चुका है। अब हम पूरे प्लेट्स को ग्रीस करेंगे बटर से, देसी घी का तड़का लगा, हाँ, क्या सुगंध आएगा।
अब उसके बाद अपना बैटर अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए अभी मिक्स हो ही रहा है। अभी एक बार मैंने बना लिया था, कुछ गेस्ट आए हुए थे ना तो मैंने बनाया, क्योंकि जल्दीबाजी था, फिर सोचा कि अब वीडियो आप लोग के लिए बनाना ज़रूरी है, मेरे फैमिली जो है आप लोग इसलिए देखिए कंसिस्टेंसी ज़रूर देखिए, इतना ही रहना चाहिए पतला सा कंसिस्टेंसी। सारे प्लेट्स को एक एक करके फिल करेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे बस इतना ही, अच्छे से फिल करके। आप वीडियो स्किप मत कीजिए, अच्छे से पूरा देखिए प्रोसेस, क्योंकि सबका इडली बहुत ही भारी भारी सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही लाइट वेट है। अरे घुस ना, जा ही नहीं रहा है, घुस घुस गया घुस गया घुस गया घुस। देखिए अब इसे भी फिल करना है, दिख रहा है ना एक बार हम बना चुके हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारे प्लेट्स को फिल करेंगे, और मेरा पानी भी बॉयल हो चुका है। हे गाइस, आप कमेंट में बताओ कि आपको इडली पसंद है या नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है फिर आप देखो, किसी को शेयर करो, क्या पता उसको अच्छा लगे। देखो देखो फाइनली डन हो ही रहा है। यार मैं बहुत थक गई हूँ, फिर भी ये वीडियो बना रही हूँ, सोचा कि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, और आप मेरी इडली रेसिपी को प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैं आप सबके लिए इतना कर रही हूँ, क्या आप मुझे एक सब्सक्राइब नहीं दे सकते? सब्सक्राइब करो यार, कर भी दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एवरीवेयर। देखो फिल हो गया, और मैं इसमें कुकर में रख दी, और इसका लिड लगा दूंगी। तब तक ये एक विस्ल आने तक रेडी कर रहे हैं, तब तक अपना प्लेटिंग करते हैं। वाह कितना अच्छा लुक दे रहा है ना, एकदम नेचुरलिटी दिख रहा है इसमें, नेचर्स प्रभाव का। वाह 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 वाह, देखिए इतना स्मूथ सॉफ्ट इडली बन के तैयार है। हम सारे इडली को निकाल के प्लेट कर लेंगे, क्योंकि ये सारे इडली आप सबके लिए है, ये मैं नहीं खाने वाली प्लीज आप टेस्ट करके बताओ कि हमारा इडली कैसा बना है, और ट्राई भी करो। हे गाइस, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करो। वाओ देखो कितना अच्छा हमारा साउथ इंडियन रेसिपी इडली बनकर तैयार है, दिख रहा है ना गुड। मुझे तो हंसी आ गई, आप भी हंस दो। ये बहुत हेल्दी फूड है इसलिए हर लोग इसे खाना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी स्टे फिट स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। हे फैमिली, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ बने रहिए।